वेरी वार्म वेलकम लर्नर्स। वंस अगेन मैं आपको आज MCS 12 के जो स्टूडेंट हैं, MCA के या PGDCA के, उनके क्वेश्चन पेपर में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एड्रेसिंग मोड के ऊपर। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एड्रेसिंग मोड करवाए थे, इमीडिएट और डायरेक्ट। आज मैं आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड करवाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एड्रेसिंग मोड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है और कोई भी एड्रेसिंग मोड आपसे पूछ सकते हैं। सैंपल के तौर पे मैंने जून 2016 का पेपर लिया है, ठीक है? तो मैं आपको आज दूसरे एड्रेसिंग मोड करवाऊंगी। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से मैं आपके साथ जो है वो स्टार्ट करूंगी डिस्कस करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इग्नू स्टूडेंट्स के लिए PYQ जो है वो सॉल्व करवाती हूँ और स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे को मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करना और बताना कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो कैसे चल रही है। क्या आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया है? आपका क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है? ठीक है, ये चीज भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो। यस लर्नर्स, आज मैं आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करवाऊंगी। ये स्टडी मटेरियल मैं आपकी जो इग्नो की PDF है वहीं से करवा रही हूँ। पहले भी मैंने जो एड्रेसिंग मोड करवाया था वो PDF से ही करवाया था, ई ज्ञान कोश, ठीक है? तो आप वहां से PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसलिए PDF से करवाती हूँ क्योंकि इसके साथ जो लर्नर्स है वो बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है? तो जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है आपको तभी समझ आएगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है। तो प्लीज इसको करने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो जरूर देखना। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द ऑपरेंट फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द एड्रेस ऑफ इंटेंडेड ऑपरेंट, ठीक है? जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वो क्या स्पेसिफाई करती है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस ऑफ इंटेंडेड ऑपरेंट को क्या करती है, स्पेसिफाई करती है। मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक ओपकोड होता है और दूसरा क्या होता है, ऑपरेंट होता है। अगर हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो जो है वो हम क्या यूज करते हैं वहां पे, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। बट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, एड्रेस ऑफ द एड्रेस ऑफ इंटेंडेड ऑपरेंड। मैं आपको अभी डायग्राम दिखाती हूँ, आपको बहुत इजिली ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज एक इंस्ट्रक्शन है दैट लोड I500 यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग स्कीम। तो आप देखो कि लोड I500, ये डायग्राम गिवन है ना, लोड I500, तो 500 के ऊपर जो है वो क्या पड़ा हुआ है, 50A पड़ा हुआ है। तो अब जो है इंस्ट्रक्शन में आप 50A पे जाओगे और वहां पे आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। हाँ जी लर्नर्स, आप इधर डायग्राम की तरफ देखो, ये देखो रहे हो ना, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, तो जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द एड्रेस ऑफ इंटेंडेड ऑपरेंट। ये देखो एड्रेस ऑफ द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट, ठीक है? आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर उस एड्रेस के ऊपर आपको जो है वो क्या मिलेगा, ऑपरेंट मिलेगा। जैसे कि आप इधर देख रहे हो लोड I500, तो जब आप 500 पे गए तो वहां पे आपको क्या मिला, 50A। अब एड्रेस ऑफ ऑपरेंट पे आपने जाना है और ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं पहले भी बताया था कि ये आपको हो गया कि 7 कहाँ से आ गया, तो ये 0 और 1 की फॉर्म में गिवन है, इट मींस 7, ठीक है? हाँ जी लर्नर, अब हम देख लेते हैं सम सेलियंट पॉइंट्स अबाउट दिस स्कीम। तो इसके कुछ फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, इसमें इफेक्टिव एड्रेस और कंटेंट ऑफ ऑपरेंट कैसे बनेगा। तो जो आपका इफेक्टिव एड्रेस बनेगा वो बनेगा कंटेंट ऑफ लोकेशन 500, ठीक है? दैट इज 50A अबव, जैसे आप डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। और जो डाटा बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 7, मींस कंटेंट ऑफ लोकेशन 50A।
बट दिस स्कीम हैज सम ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक है कि जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, वहां पे हमें वन मेमोरी रेफरेंस लगता है टू फेच द एक्चुअल ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, बट हियर इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वी नीड टू मेमोरी रेफरेंसेस, बिकॉज ऑपरेंड ऑफ ऑपरेंड्स है ना, इसलिए टू मेमोरी रेफरेंसेस लगते हैं टू फेच द एक्चुअल ऑपरेंड। सो द फर्स्ट मेमोरी रेफरेंस इज टू फेच द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, एंड द सेकेंड टू फेच द एक्चुअल ऑपरेंड यूजिंग दैट एड्रेस। So in this scheme, the word length determines the size of the addressable space. कि जो वो word length है वो उससे आप क्या determine कर सकते हो, size of the addressable space की। अगर हमारे पास 32 bits है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे given है, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। In this scheme, the word length determines the size of addressable space as the actual address is stored in a word. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेमोरी में वर्ड का साइज क्या है, 32 बिट्स, सो इट कैन हैव 2^32 इनडायरेक्ट एड्रेसेस। हाँ जी, जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है रजिस्टर एड्रेसिंग। ठीक है, सो व्हेन ऑपरेंड्स आर टेकन फ्रॉम रजिस्टर, चाहे हमने इम्प्लिसिटली लेने हैं चाहे एक्सप्लिसिटली लेने हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग। मीन जब हम ऑपरेंड्स को रजिस्टर से उठाएंगे उसको हम रजिस्टर ऑपरेंड्स बोलेंगे। इफ ऑपरेंड्स आर फ्रॉम मेमोरी लोकेशन तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी ऑपरेंड्स बोलेंगे। सो इन दिस स्कीम ए रजिस्टर एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, कि जो रजिस्टर का एड्रेस है वो कहाँ मिलेगा आपको, इंस्ट्रक्शन में मिलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली इसको दिखा देती हूँ। ये डायग्राम देखो, ये मेन मेमोरी है और ये इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे ही हमारा जो है वो क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर से ही हमने ऑपरेंड को क्या करना है, उठाना है। बट अदर मेजर एडवांटेजेस आपको पेपर में आ सकता है कि मेजर एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि हम रजिस्टर से उठा रहे हैं, जो आपको पता है जो रजिस्टर है वो सबसे फास्ट होता है। अगर हमने मेमोरी को एक्सेस करना है, रजिस्टर एक्सेस इज फास्टर देन मेमोरी, क्योंकि हमें मेमोरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। सो हेंस रजिस्टर एड्रेसिंग रिजल्ट इन फास्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, राइट। However, register obtains operands on from memory. So therefore, the operands that should be kept in registers are selected carefully and efficiently. बस आपने इतना ही लिखना है, ठीक है? इसमें जो effective address क्या बनेगा, equal to किसके होगा, register के, ठीक है? और जो data होगा वो किसके equal होगा, effective address के, right? Next is register indirect addressing. जी लर्नर्स, नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इन दिस एड्रेसिंग स्कीम द ऑपरेंड इज डेटा इन मेमोरी पॉइंटेड टू बाय ए रजिस्टर। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, और जो रजिस्टर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड को। यहाँ पे हमें एड्रेस मिलेगा और फिर हम उस एड्रेस के ऊपर जाके अपने ऑपरेंड को ले सकते हैं। यही लिखा है, द ऑपरेंड इज डेटा इन मेमोरी पॉइंटेड टू by a register, ठीक है। In other words, the operand field specify a register, कि operand field जो है वो register को specify करेगा, that contains the address of the operand that is stored in memory. So ये बिल्कुल same है जैसे indirect addressing scheme है, but it is much faster than indirect addressing that requires two memory accesses. तो इसमें effective address कैसे calculate करेंगे, effective address equal to रजिस्टर होगा, और जो हमारे पास डेटा होगा वो किसके इक्वल होगा, इफेक्टिव एड्रेस के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एड्रेसिंग मोड जो है वो समझ आ गए हैं। आज मैंने आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करवाया है, देन उसके बाद मैंने आपको रजिस्टर करवाया है, देन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करवाया है। आगे आपके जो एड्रेसिंग मोड है वो है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग स्कीम है, ठीक है, देन बेस रजिस्टर एड्रेसिंग है, देन उसके बाद रिलेटिव एड्रेसिंग स्कीम है, देन उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टैक एड्रेसिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना जो है वो और कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारे एड्रेसिंग मोड रहते हैं वो करवाऊंगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ लिखा है ना, व्हाट आर द
नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस रिक्वायर्ड टू गेट द डाटा, जैसे मैंने आज आपको बताया है कि इमीडिएट में तो कुछ नहीं लगता, जीरो लगता है मेमोरी रेफरेंस, डायरेक्ट एड्रेसिंग में वन लगता है, इनडायरेक्ट में क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपने कमेंट के थ्रू बताना कि आपको जो है वो एड्रेसिंग मोड समझ आ गए हैं। अगर आपको एड्रेसिंग मोड में अभी भी लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, तो मैं इसका जो है वो लाइव क्लास भी ले सकती हूँ, और आपको लाइव में आप अपने डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ अगर आपको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, पहले मैं ये सारे जो है एड्रेसिंग मोड आपको कंप्लीट करवाऊंगी, फिर मैं इसके लिए एक लाइव जो है वो सेशन रखूंगी, सो दैट आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाओ, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।